नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया कि न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, यानी कि पोषण दो टाइप के होते हैं। एक आपका हो जाता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा आपका होता है हेटरोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब मैंने बताया था जो खुद से पोषण करें, और हेट्रो का मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो आपके हेटरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि जो परपोषी होते हैं, उनमें भी तीन तरीके आते हैं। उनमें से तीन तरीके कौन कौन से हैं? उनमें से तीन तरीके हैं आपके, पहला हो जाता है पैरासिटिक, परजीवी, उसको आप हिंदी में बोलते हैं। दूसरा आपका हो जाता है दोस्तों होलोजोइक, आप उसको होलोजोइक का नाम देते हैं। तीसरा जो हमारा होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का हिंदी हो जाती है मृतोपजीवी। तो दोस्तों, ये जो हमारे तीन तरीके के पोषण आते हैं हेटरोट्रॉपिक में, तीनों का क्या क्या मतलब है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर हम पैरासिटिक की बात करते हैं, पैरासिटिक की हिंदी ही बता रही है कि उसका मतलब क्या है। परजीवी, परजीवी का मतलब हो गया जो अपने भोजन के लिए दूसरे किसी जीव के शरीर में जा करके वहाँ से धीरे धीरे भोजन या फिर पोषण जो भी चीज़ें हैं वो खींच रहा है, तो उसे हम कहते हैं पैरासिटिक या फिर परजीवी। दूसरा जो हमारा है दोस्तों, सैप्रोफिटिक यानी कि मृतोपजीवी। मृतोपजीवी हिंदी से ही पता चल रहा है ऑलरेडी कि मरे हुए जीव से जब भी आप भोजन लेते हैं उसे हम कहते हैं सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक में बेसिकली आपका कौन आ जाता है? फंगस आते हैं। फंगस, मशरूम, ये लोग क्या होते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे कोई भी कुछ भी सड़ा गला रहता है ज़्यादातर ये वहीं पे रहते हैं। तो इससे क्या साबित हो जाता है? इससे साबित होगा कि ये मरी और गली सड़ी चीज़ों से ही एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं पोषण को, ठीक है। जो तीसरा हमारा वर्ड है दोस्तों, होलोजोइक। होलोजोइक में क्या हो जाता है, इसकी हिंदी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मैं बता दूं आपको इसका मतलब क्या है। मतलब बहुत सारे जंतु ऐसे हैं जिनके पास ऐसा सिस्टम बॉडी में है कि पहले वो खाएंगे, खाना खाने के बाद अंदर शरीर में वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेगा, और वो छोटा छोटा जो पार्ट्स टूट रहा है उसको शरीर का हर एक सेल एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि उसको अवशोषित कर लेगा। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम नाम देते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन का, जिसमें कि खास बात यह है कि इंसान और कुत्ते दो ही ऐसे हैं जो होलोजोइक के अंदर एग्जाम्पल में आते हैं। तो हमेशा से याद रखिएगा, आपके पास अगर कभी भी बात करी जाए हेटरोट्रॉपिक का, तो उसमें आपके पास तीन हैं। पहला पैरासाइट यानी कि परजीवी, दूसरा सैप्रोफिटिक यानी कि मृतोपजीवी, तीसरा आपका होलोजोइक यानी कि जिसके साथ जिसके बॉडी में ऐसा सिस्टम है कि खाना पहले टूट रहा है, फिर पच रहा है, फिर बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले रही है। पैरासिटिक का एग्जाम्पल यहाँ पे रह गया है दोस्तों। पैरासिटिक का मतलब हो गया, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे मानिए आपको मलेरिया होता है, तो मलेरिया में हमारे शरीर में जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है वो हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम को छोड़ करके चली जाती है। प्लाज्मोडियम जो है, ये आप ये कह सकते हैं कि मच्छर का ही एक छोटा रूप है, मच्छर के द्वारा ही छोड़ा गया एक छोटा रूप है। अब ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये क्या है, ये आपका ऐसा जीव है जो आपके शरीर में रहता है, आपके खून में रहता है, और आपके खून से जितना भी खास करके आपके लीवर में रहता है, आपके यकृत में रहता है, वहाँ पर रह करके जो भी आपके शरीर में भोजन जा रहा है, जो भी पोषण जा रहा है, सबको ये एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए प्लाज्मोडियम को हम नाम देते हैं पैरासिटिक का, क्योंकि ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर लीवर में रह रहा है और वहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बेसिकली ये याद रखिएगा कि हेटरोट्रॉपिक में आपके पास तीन टाइप है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको टॉपिक अच्छे समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता भी दीजिएगा कि यस मैम मुझे समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच।